भाई देख के चलो आगे नहीं तो पीछे भी कांपता। सब जने बस मार प्रदेश सदर जी को माला पहनाने में जुटियाने थे, ऐसा जुटियाने थे ऐसा कि पूछो ना भैया। आधी गर्दने नहीं दिख रही थी, मार सकल चमचमा रहा था, माथे से बस पसीना भी चुरा था। वैसे बाराबंकी जिले में समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जाहिद देख रहे बोले, अब बलरामपुर जा रहे थे तो रामनगर तिरक पर बस शांति ओम की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बस जमकर स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में थे बस अध्यक्ष, देखो आधी बकदा प्रदेश अध्यक्ष को इतना माला पहना दिया इतना कि क्या बताएं। देखो देखो गर्दने नहीं दिख रही थी, मार प्रदेश अध्यक्ष जी माला हटाते हटाते थके जा रहे थे। फिलहाल बस अब कुछ भी गए लाजवाब कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, हम तो देखते रह गए। हाँ भैया आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में, जहाँ पर भाई साहब देखो देखो समाजवादी के राष्ट्र प्रवक्ता देखने को मिल गए। सदा शेरवानी जी जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। बकायदा एने कोने सजा रखे थे, मास्क वॉक्स पहन रखे थे। जी हाँ ये वही वाले हैं जो काले रंग का मास्क पहने बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए थे भाई साहब। और बकायदा मीर गए तो धन्य हो गया, पूछो ना भैया टूटी फूटी सड़कों में थे। वर्तमान की सरकार ने तो कुछ विकास ही नहीं किया, कह देंगे तो कलेजिब साहब लौटेगा। फिलहाल भाई साहब राष्ट्र प्रवक्ता साहब का बोले, खुद सुन लो सैनिक गोस्वामी ने खास बातचीत की, पूछो ना भैया खुद देखो। आने की कोई ऐसे ख़ास वजह तो नहीं है, अपने लोगों से मिलने आए हैं, देखने आए हैं कि माहौल यहाँ क्या है, क्या हालात हैं, क्या परेशानी है लोगों की। छः महीने में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, संगठन हमें तैयार करना है, अपने लोगों को हौसला देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चुनाव में समाजवादी की जीत और बीजेपी की हार होनी चाहिए, ये मैसेज मैं लेके आया। सर जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि तमाम वादे किए जा रहे हैं कि 4.5 साल हो गए सरकार को और बहुत ऐसे विकास कार्य किए गए हैं जो गरीबों से रिलेटेड है, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई जब मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उनने, कुछ वादे सुन के मैं भी थोड़ा सा हैरान था और मैंने भी सोचा कि भाई जो आसमान में पहुंचाने की बात कर रहा है, कोई छत के ऊपर तक पहुंचा दे तो बहुत बड़ी बात है, उनने तो ज़मीन में 10 फीट और नीचे गाड़ दिए। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तभी भी बहुत वादे किए थे, उस वादों पे एक लहर थी, एक हवा थी, उसके वजह से बीजेपी जीत गई, सरकार बना ली। लेकिन पिछले 4.5 सालों में क्या हुआ है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल जानते भैया बिल्कुल जानते हैं। अब राष्ट्र प्रवक्ता जी की बात सब, जहाँ से गाड़ी गुजर रही थी देख लो ना, तो ढंग से उधर आवाज बना पड़ा और बकायदा नाली की हालत देख लो, माथा पसीना चुने लगेगा, दुर्दशा तो बात सब बहुत खराब। फिलहाल कह देंगे तो कलेजे में सांप लौटने लगेगा। पर फिलहाल बस साहब मीरगंज क्षेत्र के लिए सनी गोस्वामी की रिपोर्ट, वीडियो या सिर्फ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की दमदार खबरें मिलते रहेंगे शिव से के साथ।